फ्रेंड्स, मैं हूं सुनीता और आप देख रहे हैं डीएनपी स्पोर्ट्स। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं टॉप 5 स्पोर्ट्स स्टोरीज ऑफ द डे। 22 वर्षीय बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर ने टोक्यो पैरालंपिक्स में मेन सिंगल्स SH6 इवेंट के फाइनल में हांगकांग की चू मानकाई को हराकर देश के लिए 5वां स्वर्ण पदक जीत लिया है। जी हां, कृष्णा ने 21-17, 16-21 और 21-17 के स्कोर लाइन से मैच जीता। इससे पहले आज गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास LY ने भी SL4 वर्ग में रजत पदक जीता है। गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी और बैडमिंटन खिलाड़ी सुहास LY ने टोक्यो पैरालंपिक्स में पुरुषों की SL4 श्रेणी में सिल्वर मेडल हासिल किया है और वे पैरालंपिक्स के इतिहास में पदक जीतने वाले पहले IAS अधिकारी भी बन गए हैं। फाइनल मुकाबले में सुहास वर्ल्ड नंबर 1 फ्रांस के लुकास मार्जूर के खिलाफ पहला गेम जीतने के बाद 1-2 से हार गए। भारत और इंग्लैंड के बीच लंदन के ओवल में खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल खराब रोशनी के कारण समय से पहले ही रोक देना पड़ा। दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने दूसरी पारी में 3 विकेट के नुकसान पर 270 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही भारत की इंग्लैंड पर बढ़त 171 रन की हो गई है। भारतीय ओपनर रोहित शर्मा ने विदेश में अपना पहला टेस्ट शतक जड़ा और वे 127 रन बनाकर आउट हुए। पूर्व पाकिस्तानी कप्तान वसीम अकरम ने शनिवार को ट्विटर पर एक वीडियो शेयर कर लिखा है कि आखिरकार 10 महीने बाद अपनी बेटी से मिल रहा हूं। अकरम ने पत्नी के लिए लिखा कि मुझसे दूर रहकर भी इतनी प्यारी और खूबसूरत नन्ही राजकुमारी को पालने के लिए आपका धन्यवाद शनायरा। इस पर कमेंटेटर हर्षा भोगले ने कमेंट किया है कि खतरनाक तेज गेंदबाज के दिल में बसा सॉफ्ट कॉर्नर। भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच रवि शास्त्री ने अपनी किताब में कहा है कि 2014 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के बीच में MS धोनी के संन्यास लेने का फैसला उन्हें समझ में नहीं आया था। उनके मुताबिक वे धोनी के मन को बदलना चाहते थे। अब रवि शास्त्री का कहना है कि अब मुझे लगता है कि धोनी का फैसला सही था, साहसी और बिल्कुल निस्वार्थ। तो दोस्तों, स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम स्पोर्ट्स अपडेट्स के लिए देखते रहिए डीएनपी स्पोर्ट्स। इसके अलावा अगर आपने डीएनपी स्पोर्ट्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि खेलों से जुड़ी हुई तमाम अपडेट्स आपको समय समय पर मिलती रहें।